सती गुरु स्वामी ओ सतगुरु स्वामी दीन बंधु के अब सदा झुकैबे मां ये सब दुखियन ऊपर दया पर हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर कलाकार आदरणीय परम श्रद्धे परम पूज्य बड़े भैया संतोष प्रजापति जी के द्वार पर यह आज बरकी के उपलक्ष्य में तमाम इष्ट मित्र नाथ रिश्तेदार सगे संबंधी सबको आमंत्रित किए परपेक्ष में संगीत गीत की भी एक लाइन एक कड़ी रखी गई जिसमें अभी आप लोगों ने बड़े अच्छे कलाकार भाई पप्पू यादव जी से माँ की स्तुति माँ की वंदना निर्गुण भाव को आप लोगों ने सुना तो आपको सत सत नमन हम करते हैं। उस महान विभूत की छत्र छाया सदा आपके परिवार पर रहे, उसकी कृपा से आप सब जैसे समाज में हमेशा प्यार दुलार पाते चले आए हैं, अपना कारवां बढ़ाते चले आए हैं, भविष्य आपका उज्जवल हो, उस जगत जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बा को सत सत नमन करते हैं। श्रद्धा का सुमन अर्पण करते हुए गीत संगीत का आगाज करना चाहूंगा। रीत है, रिवाज है, संस्कार है कि किसी कार्य का शुभारंभ करने से पहले हर इंसान अपने इष्ट देवी देवता का पूजा अर्चना मनौती किया करता है। जे जे का मानत बा, जे का जे मन विश्वास बा, गवैया बजवैया पढ़वैया लिखवैया आदिशक्ति स्वरदायिनी माँ वीणा वादिनी से अर्ज करते हैं, फरियाद करते हैं कि ये माँ तुम बड़ी कृपालु हो, माँ जिसके ऊपर आपकी कृपा हो गई उसका जीवन संवर गया। माँ आइए लाल माँ की वंदना प्रस्तुत है आप लोगों के बीच में। कैसे मास्टर साहब Thank you.
का संकेत। आदरणीय घर मणिकार महोदय संतोष प्रजापति के पिताश्री आदरणीय दादा श्री लाल बहादुर प्रजापति जी की ओर से स्वागत की कड़ी में सुंदर पुष्पहार 51 रुपए का आशीर्वाद सत सत नमन आशीर्वाद दें। बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो यही मालिक से विनती और प्रार्थना करते हैं। कहना है बड़ी सुंदर लाइन का संकेत हमारे मास्टर साहब कर दिए। कोनो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से संकेत कराता कि ए दुनिया के मालिक इस जगत में जो आया है नर हो नारी हो जीव हो जंतु हो पशु हो पक्षी हो सबका मालिक एक है सबका पिया एक है। अर्ज लगा रही अपने दिल का दर्द ए आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से कहती है। क्या कह रही है मास्टर साहब? कहता है कि ये मैया आपकी काया माया जग जाहिर है माँ अनंत है आपकी महिमा। भक्त माँ से कहता है कैसे मास्टर साहब? ये मैहर की माँ शारदा आपकी कृपा से हर कलाकार मंच पे कुछ गाने बजाने कुछ बोलने के लायक बनता है आपकी कृपा है माँ। मंच जब समाज में अवसर मिले माँ तो आपसे एक मांगन हम मांगत है का कि पर्दा पानी मोरी राखी दा जोगिनिया आदली समाज के सम्मानित बड़े भैया रामचंद्र भारतीया भैया बड़े सुंदर आप हारमोनियम वादक है। माँ सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखे बढ़िया से आपकी राग रागनी कायम रहे यही मालिक से विनती प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो। सकल पंच के अक्षर से पहली की प्रणाम है। भक्त कहा था माई से पाली मोरी राखी दा जोगिनिया पर्दा पाली मोरी राखी दा जोगिनिया
समाज के सम्मानित बड़े भैया लालता प्रसाद प्रजापति जी, आप भी इस भंडारे में आमंत्रित हैं, कोट कोट नमन है। या भंडारा उस याद शक्ति जग जननी जो धराधाम को तज करके आज ब्रह्मलोक में अपना आसन लाया है, उसकी कृपा से बढ़िया से कुशल संपन्न हो, यही मालिक से विनती प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी माया 25 रुपया दे करके सम्मान करते हैं आशीर्वाद की कड़ी में, आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो। वंदने के पहले वंदन भक्त माँ से पहली बात कहता है, क्या कहा था लाल? श्वेत बसने तने हंस की सवारी, जगमग ज्योति जलई तुहरी अटारी। श्वेत बसने तने हंस की सवारी, जगमग ज्योति जले तुहरी। के माई तू हवा ही तारी, महिमा तुहार पूरी दुनिया में न्यारी। दिन के द्वार पर यह कार्यक्रम है त्रयोदशी बरखी के, ये आदरणीय संतोष भैया जी के ससुर जी की ओर से, लाल जी मास्टर साहब जी की ओर से 51 रुपया सुंदर पुष्पहार स्वागत की कड़ी में, सम्मान की कड़ी में। और ये 51 रुपया ये बड़े भैया संतोष प्रजापति जी हमारे अखाड़े के बड़े सुंदर आप कलाकार है, सतगुरु स्वामी की कृपा रहे, दयाराम महाराज भोला बाबा दीन की छत्र छाया रहे कि हम बच्चे उनके बनाए पथ मार्ग को कुछ आगे बढ़ा लें, यही मालिक से विनती करते हैं। 51 रुपया बहुत बहुत नमन है। यादनी समाज के सम्मानित बड़े भैया फूलचंद प्रजापति जी मुलतरीपुर की पवन सरजमी से 21 रुपया बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद दें बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो। खाई दे तू जनली, भूलल रही आगे खाई दे तू जनली। अच्छा, मुगरखन की सरजमी से आदरणीय दादा श्री स्वामी रामानंद प्रजापति, बहुत सारी माया 11 रुपया देकर के सम्मान करते हैं, दादाजी के चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद दे बच्चे कला के क्षेत्र में कामयाब हो। तिमीरा गावई माई तोहरी भजनिया, कि ए मैया तू ओपे कृपा कैलू, मीरा भगवान विष्णु की भक्तन थी, अनटनागर मुरलीधर कन्हैया जब मथुरा में जन्म लिए, एक नाम उनका पड़ा था गोपाल मधुसूदन, अनेक नाम था। तो मीरा बैठ करके कमरे में जब गोपाला गोपाला की भक्ति का करे तो भौजैया कलंक लगाए थे, बगलिया में गोपाल नाम का लड़का रहा। भौजैया अपने मर्दबा का बोलौले से मीरा के ऊपर कलंक लगाए कि गोपाला से एक ही प्रेम है। और यही बाबूजी कलंक लगा कर आज मीरा को घर से बेघर कर दिया गया, लेकिन धन्य हो आदिदेव आदिशक्ति आपकी कृपा, वह भी उस लायक आपने बना दिया कि मीरा का नाम दुनिया में जग जाहिर हुआ। बड़े अनुपम लाइन में, भक्तों की लाइन में, भक्तों की लाइन में मीरा का एक अनुपम अंदाज, एक अनुपम प्यार मिला। कैसे मीरा गावे माई तो